महाराष्ट्र के कोकण, रत्नागिरी, महाड़ और चिपलुण जैसे शहरों में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि त्राही त्राही मच गई। बड़े पैमाने पर लोगों का जीवन दुखदायी हो गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास न खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी। यहां तक कि सिर के ऊपर लोगों के पास जो छत थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। अब बाढ़ पीड़ितों को सबसे ज्यादा जिन चीजों की आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान, जो उनके लिए नहीं हो पा रहा है आसान। इसलिए कई सामाजिक संगठन मदद का हाथ बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में भारत जन कल्याण के अथक प्रयासों से चिपलुण शहर के बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए राशन समेत जरूरी चीजें भेजी गई, जिसका नेतृत्व किया समाज सेविका गीता यादव ने। वैसे आपको बता दें कि भारत जन कल्याण योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहद कम दामों में अनाज दिया जाता है। बोलना चाहूंगी गीता यादव जी का, जिन्होंने मुझे इस पुण्य काम के लिए मुझे आमंत्रित किया है, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। और भारत जन कल्याण संस्था को मैं बहुत वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने चिपलुण के बारे में इतना सोचा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय महाराष्ट्र में इतनी बारिश की वजह से इतनी बुरी आपदा आई हुई है, जिससे बहुत सारे लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम के अपना घर से बेघर हो गए हैं। उनके लिए जो वो राशन की व्यवस्था कर रही हैं, और उन्होंने हम सब लोगों को इस पुण्य काम में मैं बुलाया है। हम सब महिलाएं आके उनका सहयोग कर रहे हैं। सहयोग इन द सेंस की नहीं, हम एक अपना वैल्यूबल टाइम उनको दे रहे हैं, बाकी तो सारा कुछ उनका ही किया हुआ है। और जिस तरह से वो इतने सस्ते दर पे पूरे मीरा भाईंदर में, क्या ले लो मीरा भाईंदर दहिसर से लेकर के वो विरार तक के लिए जो सस्ते में राशन हम आम जनता लोगों के लिए जो ये प्रोवाइड कर रही हैं, ये बहुत अच्छा एक उनके लिए पुण्य का काम है कि एक आम आदमी भी जो हर समय इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो कभी किसी के घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। इतना सस्ता राशन हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ले सकता है, और अगर नहीं भी लिया है तो गीता जी इतना अच्छा काम करती हैं कि अगर कोई भूखा ना सो उसके लिए वो इस तरीके की जो हेल्प कर रही हैं, मुहिम चला रही हैं कि जगह जगह वो राशन पहुंचा रही हैं। तो मैं वही कोशिश करूंगी, और मुझे उनके साथ जुड़ करके बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बहुत सी महिलाओं को बोलूँगी, अगर उनके पास टाइम है तो वो गीता जी के साथ ज़रूर जुड़ें और इस मुहिम में उनका साथ दें। अगर हम दो रोटी खाते हैं तो अगर हम कोशिश करेंगे कि अपनी दो रोटी में से अगर हम एक रोटी लोगों के जन सेवा में भी लगाएंगे तो शायद बहुत अच्छा काम होगा। तो हम कहेंगे हम सब मिल करके अगर गीता जी के साथ साथ देते हैं, तो अगर वो 500 लोगों को राशन दे रही है तो हम मिलकर के 1000 लोगों को दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगी सबको और धन्यवाद दूंगी सुषमा सोनी जी, शीला शर्मा जी, भावना तिवारी, नीलम गुप्ता और रेणु त्रिपाठी जी को, जो हमारे साथ इस तरह से इस कामों में जुड़ने के लिए मतलब ज्वाइंट हुए हैं और यहाँ अपना कीमती समय दे के मेरे साथ आए हुए हैं। और दूसरी बात, मैं एक छोटी सी एक अभी ये इतनी बड़ी जो समस्या लोगों के सामने चिपलुण महाड़ जैसे लोग शहर में आई हुई है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा हाथ बढ़ाया हुआ है। इसमें थोड़ी सी सामग्री है जैसे चावल, दाल और